अच्छा साथियों, हम गायक राजेश यादव, हम पूरी टीम बिरहा के ओर से 2 अक्टूबर फतेहपुर दोनों परिवार के घटना में मारे गए दिल के अंत गहराइयों से और पूरी पार्टी के तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए साथियों 2024 में भेज रहा हूँ कि आज वहाँ की क्या कंडीशन है, क्या स्थिति है, क्या कार्यकाल चल रहा है साथी। लाइन है भूमिका के लाइन मास्टर। आए खुदा इस जमाने को क्या हो गया, जोड़ू जरवो जमी जिंदगी पर है भारी, हर तरफ खून ही खून, लाशो कमंजर, गगन रो रहा कांपे धरती बेचारी, नहीं जाएगा साथ कुछ भी यहाँ से, तो फिर क्यों तू बंदे बने हो या नारी, अहंकार लालच नियत जीत जग में, मेरे दोस्त तू लाख भर को उजारी। अरे भैया, लोग दुनिया में आवेला, सब लोग चीज यहाँ मिलल बा यही जान रह जाए, लेकिन वाह रे आदमी मुट्ठी बात कराता है, हाथ पसार के चल जाता है, लेकिन देखे बाबूजी इंसानियत तार तार हो चुका है। एक लाइन गजल के अंदाज है, कौन गजल है मास्टर? मास्टर साहब बजौलो कि अपमाना मेरी जान, अपमाना मेरी जान, मोहब्बत सजा है, अपमाना मेरी जान, मोहब्बत सजा है, इंसान पशु से भी बेहतर हो चुका है। अरे लहू पी रहा है, अरे लहू पी रहा है इंसान जब से, अब जमी तो जमी रो रही है जहां
कहानी कहाँ के है, कैसन है, यही जान से कहानी के शुरुआत भई। का शुरुआत भइल भैया? भयपुर टोला के राम भवन जाने माने, भयपुर टोला के राम भवन जाने माने हैं, बेटा राम जी तो प्रेम चंदुलारे हैं। बाबू जो पूरे आवाम में तहलका मच गया 2 अक्टूबर के दिन, जो जनार्दन दुबे थे भगवान 3 लड़का उनके देहले रहे, एक लड़का के नाम ओम प्रकाश, दूसरे लड़का के नाम सत्य प्रकाश और तीसरे लड़का के नाम ज्ञान प्रकाश बताया जाता है। जो ओम प्रकाश का जो शादी शुदा हुआ था, लेकिन सत्य प्रकाश के परिवार के ताड़ना से वो भी बेचारे इस दुनिया से चल बसे। छोटा भाई ज्ञान प्रकाश था, उसका भी शादी विवाह नहीं हुआ था। आज देखें बाबूजी, लोगों में आए दिन बाद विवाद हुआ करता था, वही जो ज्ञान प्रकाश था वहाँ के तपे तपाए व्यवहारी और उनका सौ कुशल व्यवहार था बाबू, जिनका नाम प्रेमचंद बताया जाता है, उनके के यहाँ आता है। आज देखें बाबूजी, प्रेमचंद जो यादव जी थे वो पूर्व जिला पंचायत सदस्य थे, उनके पिता पूर्व फौज के जवान थे राम भवन यादव, माता गीता देवी ग्राम प्रधान थी। आज देखें बाबूजी, बड़े अच्छा खासा से चल रहा है, दिन बीत रहा है। आज जब दिन बीत रहा है, वारे भगवान की माया, एक दिन एक ठे घटना घटता है। आज जब घटना घटल सवेर में के तबात बा, एक लाइन यहाँ गीत लगल, कौन गीत है मास्टर?
चाहे के सगुण में आ चाहे निर्गुण में, जहां से सोचबो हिया से मिल जाए। कौन चीज है? अरे सेज चढ़ती डार लगी मुरी गुइया, सेज चढ़ती डरी लगी मुरी गुइया, सैया घुभट पट बोले हो राजा घुभट पट। सोमवार का दिन था साथियों, सुबेर के सुबेर हुआ, समय 5 बजता है। प्रेम यादव जी घर से जो गाय थी भैंस थी खिलाने के लिए घर में से निकले। आज देखें बाबूजी सुबेर हुआ, उनकी पत्नी जो शीला देवी थी पति को चाय लेकर आती है। आज वही प्रेम यादव पूरे जिला पंचायत सदस्य कुर्सी पर बैठ करके चाय पी रहे हैं। जो उनकी धर्म पत्नी शीला थी अपने पति से थे बात बतौली की ये सैया, आज रात को हम बड़ा खराब सपना सुन ली है। चाहे रिश्तेदारी हो चाहे जहां भी हो, कहीं ना कहीं असगुन सुनाई सैया। आज बड़ा हम खराब सपना सुन ली हैं, लेकिन बतौली का बतौली मास्टर। अरे सैया हो रतिया क देखली सपनवा, ए सैया आज राती का बड़ा खराब हम सपना देखली हैं। चाहे नतैती में हितैती में गांव में घड़ा में, आज ए सैया कहीं असगुन जरूर सुनाई। कि रतिया में सैया हो देखली सपनवा, सैया हो रतिया में देखली सपनवा, थर थर कांपे बादलवा हो थर थर। प्रेम भाई अपने पत्नी को समझाते हैं कि चलिए ये कुल रात के सपना उपना के बात बा, लेकिन देखे बाबूजी का बतौली कि धनिया कहेली फरी के बाई नया नावा, कहीं ना कहीं सही सुनाई या सगुना। कटूबर बन लिया सगुनावा, दुईया कटूबर बन लिया सगुनावा, थर थर कांपे बादलवा हो। परिवार में ही वार्ता चल रहा था, पत्नी पति को समझा रही थी कि ये सही आज राती को हम सपना बड़ा खराब सुन ले, लेकिन वारे भगवान की माया वही पत्नी चाय के कप को लेकर के घर के अंदर चली जाती है। इधर देखें बाबूजी फोन आता है, आज जब फोन आई तो भइल का कि कुछ देर बाद आई फोन पे खबरी,
कि कुछ देर बाद आईली फोन पे खबरिया, आ बाइक पर सवार हो के धैले डहरिया। केहू न जाने ला विधि क विधानवा, केहू न जाने ला विधि क विधानवा, थर थर कांपे बादनवा हो। फोन पर खबर आता है, पत्नी घर के अंदर जाती है, प्रेम यादव जी मोटरसाइकिल को उठाए और चल दिए बाबूजी। कहां जाते हैं? जिस दुबे परिवार से उनका विवाद चल रहा था, दुबे परिवार के दरवाजे पर जाते हैं। जब दुबे परिवार के दरवाजे पर जाते हैं बाबू, आज देखें बाबूजी क्या यही मनौता है। किसी को बुला करके बाबूजी दरवाजे पर उसके साथ ऐसा व्यवहार करना, आज देखें एक तरफ से सत्य प्रकाश दुबे जी हैं, दूसरे तरफ से प्रेम यादव जी हैं, लेकिन हाथापाई हो रही है। तब तक उनके घर से लोग निकल के कैलन का एक लाइन उहे गीत बा, कौन गीत मास्टर? गीत बाप कि तूने अजब रचा भगवान, तूने अजब रचा भगवान, खिलौना माटी का, तूने अजब रचा भगवान, खिलौना माटी का, तूने अजब रचा भगवान, खिलौना माटी का। लेकिन देखे बाबूजी होता क्या है, दोनों कैला विरोधी मार, दोनों कैला विरोधी मार, खार पहिले से एक तरफ से प्रेम यादव जी हैं, दूसरे तरफ से सत्य प्रकाश दुबे हैं। उनके घर से जो उनकी पत्नी लेकर के बाबूजी हालात को देखते हुए कैलिन का कि ये तन में दाढ़ी पुलाई कैली सिरावा पर कई बेरवार, खार पहिले से दुबे के घर से निकल करके बाबूजी चारों पांचों लोग प्रेम यादव के जो उनकी पत्नी किरण थी दुबे, आज देखे बाबूजी कटारी हाथ में लेकर के निकलती है, उनकी लड़की निकलती है, तलवार वो प्रेम यादव के मस्तक पर कर देती है। आज देखे बाबूजी प्रेम यादव लहू लुहान हो गए, कि धरती पर गिरे प्रेम चंद पर बंद कर लिए घर के केवार, बंद कर लिए घर के केवार, खार पहिले से, बंद कर
सवेरवा का टाइम बा, आज देखे बाबूजी यही दुबे परिवार के लोग प्रेम यादव को मार करके लहू लुहान कर दिए, किस दुनिया को छोड़ बसे। आई जब खबर देखे बाबूजी लेहड़ा टोले से अभयपुर आता है, आ जब अभयपुर आईल बा उस समय के वातावरण बतावल गई शीर्षक के लाइन हमारे। अरे मोरे राम, अरे मोरे राम, फतेहपुर हल्दी घाटी बन गया कहाँ पे वसुंधरा जब सनल खून में हटी मनौता घटी ये घटना, हटी मनौता घटी ये घटना, खबर अभयपुर आया है। अरे बूढ़े बच्चे नौजवान जब सिर सबका दिल दहलाया है, आज देखे बाबूजी जंगल की आग के तरह बात पूरे गांव में फैल गया। आज देखे बाबूजी अभयपुर आई बा खबर, उनको बाबूजी सुन ले हुआ, उनको माई सुन ले है, उनकी धर्म पत्नी सुन ले है। आज देखे बाबूजी राम भवन यादव जो थे देश के जवान थे, आज देखे बाबूजी तमतमा गए। बुढ़ापे का समय था लेकिन देखे बाबूजी ललकार के थे बात कहला, का कहला शोक न सह पाए, पुत्र शोक न सह पाए, तब राम भवन ललकारा है। धन दौलत जनजीवन से दुश्मन से यारा नियारा है। जननी बिलक कही बेटा, जननी बिलक कही बेटा, ये जीवन कोई ना जीना है। अरे चाह बेटा तो छलनी कर दो जो मेरे पुत्र को छीना है। आज देखे बाबूजी बारह टोले के लोग तमाम लोगों की भीड़ जुटी थी। आज देखे बाबूजी कौन ऐसा बाप होगा, कौन ऐसा बाप होगा क्यों होगा कि अपने बेटे को आज देखे बाबूजी आंख में आंसू लेकर के, देश के जवान थे, फौजी जवान थे, इसलिए बाबूजी ललकार उनका निकल गया। बाबूजी वही प्रेम यादव आप लोग सब चैनल से देखे होंगे, चाहे राजभर के परिवार का हो, चाहे निषाद परिवार का हो, चाहे गणेरी परिवार का हो, आज घटना के बाद तमाम चैनलों से आप लोग देखे, हर माताएं बहने अपने चैनल से वो प्रेम यादव को मसीहा कहा करती थी, कि चाहे किसी के घर विवाह हो, शादी हो, मरण हो, चाहे दुख हो सुख हो, अपनी गाड़ी, अपना ट्रैक्टर, अच्छा है पैसे की बात होती थी तो प्रेम यादव दिया करते थे। आज देखे बाबूजी जन सैलाब चल दिया लेहड़ा टोले पर, जब लेहड़ा टोले पर चलल बा एक लाइन यहाँ गीत दिहल गईल आराम से भैया। वह बात बा ओ समय का वातावरण बतावल गई बाबा कि बाबू दाजी, लेकिन जब जन सैलाब चलल बा कि लेहड़ा टोला पे, अरे लेहड़ा टोला पे, अरे भोरवा भोरवा मा चला कैलन कि हाथ में बंदूक लाठी वाला डंडा कुदारी कट्टा, कि सात प्रकाश से के घर पे हमला, साथियों सत्तर टोला लेहड़ा पे हाँ।
जन सलोनी नंदनी बेटा गाधी कितना चकत लखिए मुताई नंदले की आधी टोला या भायपुर में छोटे लाले हड़ाते नंदनी के गर्दन दिए ऐसा 2 अक्टूबर दिन सोमवार को वारे पूरे भारत में महात्मा गांधी का जन्मदिन लोग मना रहे थे वारे लेहड़ा टोले की भाग वारे भगवान की कृपा देखे बाबूजी वहां छह छह लोगों की जान जाती तमाम लोगों की भीड़ जुटी थी कोई नहीं जाना कौन ऐसा किया लेकिन देखे बाबूजी भैल का जब खबर रुद्रपुर कोतवाली में जाता है पूरे देवरिया जिला में जंगल के आग के तरफ फैल गया। आज देखे बाबूजी दल बल को लेकर के रुद्रपुर के कोतवाल चल दिए घटनास्थल पर। आज जब घटनास्थल पर गईलन उस समय देखे बाबूजी भैल का जौने के माता बहन गावे लालो बा अरे गंगा जी अरे गंगा जी कऊची बा अररिया हो जे पर बैठे भात गावा अधिकारियों बाबूजी खबर पाते हुए तमाम शासन प्रशासन तहसीलदार एसडीएम सारे लोग घटनास्थल पर पहुंच गए कि सुनत जुटल बा ससनवानु अरे सुनत जुटल बा ससनवानु हो पहुंचा दुबे के केहू का कटल कर पहुंचल दुबे के द्वार। आज देखें बाबूजी शासन प्रशासन आला अधिकारियों ने तमाम लोगों की सैकड़ों की संख्या में घटनास्थल पर लोग जुट गए तो हुआ क्या कि चादर में भारी भारी लसिया बाबूजी शासन प्रशासन घर के अंदर जाता है इधर देखें
दरवाजे पर भी लाश प्रेम यादव का है। घर के अंदर जाते हैं तो कटा हुआ पांच लोग मिले। आज देखें बाबूजी, आज देख करके लोगों की जो पत्थर का करेजा था उनका भी मोम हो गया। जो बेटा अनमोल था अभी वो उसका सांसा चल रहा था। आज जब चल रहा था देखे नजर पड़ता है, आज जब नजर पड़ता है उस में बाबूजी हुआ क्या, वह निविया के पेड़ चले। आज देखे बाबूजी पांच लाश को लेकर के लोग, छह लाश को लेकर के लोग आते हैं। जो जिंदा था वो अनमोल को गोरखपुर मेडिकल में भेजते हैं। अनमोल गोरखपुर मेडिकल जाता है। आज देखें बाबूजी भैल का, अरे निबिया का पेड़ जानी, अरे कटी हाये बाबा, लेकिन देखें बाबूजी गोरखपुर मेडिकल में की बात सुने कि गोरखपुर मेडिकल में जिंदगी मौतिया, कि गोरखपुर मेडिकल में जिंदगी मौतिया से जंग लड़ता। बाबूजी दवा हुआ, दर्पण हुआ। 5 अक्टूबर का दिन आता है। जब 5 अक्टूबर का दिन आता है कि भाई अनमोल के पास जाती है। 5 अक्टूबर का दिन है। आज वही देखें बाबूजी होश आता है। वही अनमोल अपने बहन शोभिता से पूछता है, बहन बताओ क्या हाल माई का है, क्या हाल बापू का है। आज देखें बाबूजी माई बाप तो दुनिया से चल बसल रहलन, लेकिन वारे शोभिता करेजा पत्थर को बना करके कह रहे कि भैया तुम भी ठीक हो जाओ। पापा ठीक हैं, मम्मी ठीक है, सब लोग ठीक हैं। कि मम्मी और पापा के होते बाबा भैया, करेजा पत्थर को बना करके अनमोल से बहन शोभिता बता रही कि बाबू सब लोग ठीक हैं, सबकी दवा चल रही है, सबकी दुआ चल रही है, भाई तुम भी ठीक हो जाओ। आज देखें बाबूजी
ये तो कांड दोनों परिवार के ओर से हो गया, लेकिन देखें आज इसी पर राजनीतिक रोटियां सेकना चालू हो गया। पहपट के लाइन में बतावल गई, का बतावल गई मास्टर? घटना नेता और अधिकारी बारी बारी से सुन के घटना नेता और अधिकारी बारी बारी से आ चलना यादव दुबे के दुआरी बारी बाबूजी। आज दोनों ओर के धैर्य बधाने के लिए लोग जा रहे हैं, आंसू पोछे धौर बधाए, मदद किए सब भारी हो, सुलम मणि सुरेश तिवारी जय प्रकाश पधारी हो, राम भुआ लो बिसिका किए तैयारी बारी बारी से, तीनों भरिया बहन से चले संभारी बारी बारी नेता गए दोनों परिवार को धौर्य बधाने के लिए। जो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे वो केवल दुबे परिवार के यहाँ गए, लेकिन वारे समाजवादी पार्टी के मुखिया राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी दोनों परिवार को धैर्य बधाने के लिए गए, लेकिन वारे राजनीति के रोटियां सेकने वाले अखिलेश यादव से मिलने नहीं दिए। दुबे परिवार के लोग कोई नहीं था घर में। आज देखें बाबूजी समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष व्यास यादव जी, जिलाध्यक्ष व्यास यादव जी, ब्लॉक अध्यक्ष संजय यादव जी, प्रदीप यादव पूर्व विधानसभा प्रत्याशी, रामाकांत निषाद पूर्व जिला पंचायत सदस्य, सिकंदर यादव, अवनीश यादव, हंसनाथ यादव, सीताराम यादव जिला, विजय यादव पूर्व बैतालपुर, राम केवल यादव पूर्व ब्लॉक प्रमुख, राम सेवक यादव ब्लॉक अध्यक्ष जी, तमाम समाजवादी नेताओं ने स्थल पर गए दोनों परिवार से मिलने के लिए। लेकिन देखें बाबूजी वारे राजनीति की रोटी सेकने वाले लोग मिलने नहीं दिए, केवल सारे लोग प्रेम यादव के दरवाजे पर आए, कोई नहीं मिला। बताइए सबका यही विचार था कि जो हो गया सो हो गया, अब कुछ नहीं परिवार में होना चाहिए, दोनों घर अब से आराम से अपना चलना चालू करे। अल्लाह के लाइन में बा राम की कबो कबो सो चाला पे बरसे ला नया नवा ना।
यानी देखें बाबूजी इंसान का जीवन 84 घूम करके मिलता है, लेकिन आज देखें बाबूजी धन दौलत को लेकर के ये इंसान अपने इंसानियत को भूल चुका है। साथियों अंतिम लाइन में कहना बा, आज देखें बाबूजी कोर्ट की बड़ी भारी लापरवाहियां चल रही हैं। तब तमाम जगह चाहे गोली चल रहा है, चाहे लाठी चल रहा है, चाहे बम चल रहा है, कोर्ट की लापरवाही इस बिरहा में बताया गया। मैं चैलेंज करके कहता हूँ इस मंच से, कोर्ट की लापरवाही के चलते तमाम ये हत्याएं कांड हो रहा है। अंतिम लाइन में कहना बा, लोग कोर्ट जाते जाते परेशान हो जा रहे हैं। 10-10 साल मुकदमा, 20-20 साल मुकदमा चल रहा है। अरे 10-10 साल मुकदमा में गवाही ना होला, जब ले दोनों पक्ष में तब खूनी जंगता बाही ना लेकर के मुकदमा उसी में झेला रहा है कि जेकरे हाथे लाठी भैंसिया थमावेले, दुखिया गरीब मन के डांट के भगावे। अरे खातिर चलत चारी ओर बम गोलिया, खातिर चलत चारो ओर बम गोलिया, चपल दोनों पक्ष में खूनी जगता बाही ना हो। यानी कोर्ट हो, तहसील हो, ये सारे लोग लापरवाही के चलते ये तमाम घटनाएं क्रम बढ़ रहा है। साथियों गाना के अंतिम लाइन में कहना बाब कि गुरु बिहारी स्वर्ग सुधारी, डूबे जहान गम में रमाकांत बाबा लिखते, अरे निकले यह कलम से हो।